हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप ध्यान तीन 12/2020 कक्षा बी एड सेकेंड ईयर और विषय गणित शिक्षण, गणित शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण पिछले वीडियो में हमने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से हम अपनी बात को कैसे कैसे किया जाता है और किस तरह से एक से अधिक हम एक ही समय में एक ही उपकरण के माध्यम से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी अपनी बात, अपनी संवाद, अपनी वार्तालाप कर सके। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि मोबाइल, आपने देखा कि आजकल वीडियो कॉलिंग का प्रचलन चल रहा है कि एक वीडियो कॉलिंग है, ऑडियो कॉलिंग है। ऑडियो कॉलिंग में हम हमको सिर्फ बातें सुनाई देती है, एक से दो, दो से दो, तीन, तीन से चार लोगों को जोड़कर हम आपस में बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, किसी विषय पर गहन अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे भी ऐसे वीडियो कॉलिंग पर, वीडियो कॉलिंग में ये होता है कि एक दो तीन चार जने मिलकर उसमें अपना फोटो भी दिखेगा, चित्र भी दिखेगा, अपन जो भी चीज दिखाना चाहते हैं वो दिखा भी सकते हैं और दो तीन चार जने जितने भी मिलकर अपना आपस में कम्युनिकेशन या संचार कर सकते हैं। आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ क्या होते हैं? हमने मोबाइल में वीडियो कॉलिंग कर रखा है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं, ये लाभ भी पता होगा, फिर भी हम एक जानने की कोशिश करेंगे। पहला है, सबसे पहला कि यह प्रत्यक्ष शिक्षण जैसा, प्रत्यक्ष शिक्षण जैसा ही लाभकारी साधन है। आज कोरोना स्थिति में सबसे बढ़िया और सबसे मतलब है कि अगर कोई संवाद और जो शिक्षण हो रहा है, ऑनलाइन सब चीजें हो रही है, वो इसी के माध्यम से हो रही है, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। आज कोरोना काल में स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, लेकिन वीडियो कॉलिंग के माध्यम, वीडियो के माध्यम से शिक्षण कराया जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष शिक्षण हो रहा है। मोबाइल या कंप्यूटर को बोर्ड की तरफ रख के कोई भी जिस तरह से हमें आपको पढ़ा रहा हूं या शिक्षण करवा रहा हूं, वैसे वैसे ये प्रत्यक्ष शिक्षण होता है। इसमें बच्चे अगर सामने वास्तविक रूप में या यथार्थ में ना हो तो भी चलेगा, वीडियो के माध्यम से भी हम एक शिक्षण करवा सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, किसी विषय के बारे में बातें कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठा अमेरिका से कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बात कर सकता हूँ और किसी भी विषय के बारे में जानकारी ले सकता हूँ। यानी ये प्रत्यक्ष शिक्षण जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये शिक्षण चल रहा है। दूसरा है, दूर दूर तक पहले छात्रों के लिए उपयोगी, दूर दूर तक फैले
लिए के लिए उपयोगी साधन है। कई बार क्या होता है कि जिसे मालूम होने जाने के बाद नहीं क्या देखो, अगर अमेरिका में कोई ऐसा वैज्ञानिक हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उससे कोई जानकारी प्राप्त करनी है, किसी विषय के बारे में जानना है, तो मैं अमेरिका जा मैं कि गए बिना घर बैठे में वीडियो कॉल के माध्यम से मैं उस चीज के बारे में जान सकता हूँ। तो दूर दूर बैठे सभी को सभी छात्रों के लिए उपयोगी साधन आज कोटा यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, ये दूरस्थ शिक्षा में सबसे ज्यादा उपयोगी है। घर बैठे उनको शिक्षण मटेरियल या टीचिंग मटेरियल प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई का पूर्ण कर सकते हैं, कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा है, यह एक लग्जरी प्रणाली है। तीसरा क्या है, यह एक लचीली प्रणाली है। लग्जरी प्रणाली इसे कहा गया क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ा प्रोसेसिंग नहीं है या कोई ज्यादा टेक्निकल कार्य नहीं है, ना ही इसमें कोई श्रम है, ना ही कोई पैसा है या कोई खर्च नहीं है। मतलब एक ही सरल सहज और सबके समझ में आने वाली विधि है। इस विधि के माध्यम से हम कई जो बोले कि अनपढ़ों को भी हम निरक्षरों को भी ये चीज सिखा सकते हैं। यह एक लचीली प्रणाली जिसमें आवश्यकता संशोधन या परिमार्जन अथवा परिवर्तन भी किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसी लचीली प्रणाली है जिसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं और कोई नई चीज जोड़नी हो वो नई चीज भी जोड़ सकते हैं। चौथा है, इस विधि द्वारा परिश्रम से बाहर के अध्ययन केंद्रों से संपर्क सरलता से बनाया जा सकता है, तो उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। यानी इस विधि द्वारा परिसर से बाहर के अध्ययन केंद्रों से संपर्क बनाया जा सकता है। पांचवा है, इस प्रणाली में तुरंत प्रश्न प्रश्न लेना संभव होता है। इस प्रणाली से तुरंत प्रश्न प्रश्न दिया जा सकता है। यानी मतलब कि इस प्रणाली से हम तुरंत प्रभाव से फीडबैक दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं और पुरस्कार दे सकते हैं। यानी तुरंत प्रभाव से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशित सामग्री के स्तर पर सुधार लाया जा सकता है, उसे उच्च कोटि को मनाया जा सकता है। यानी अनुदेशन सामग्री में अनुदेशन सामग्री में उच्च स्तर का सुधार किया जा सकता है। उसके बाद यह विधि दूसरी विधि से कम खर्चीली है। यह मैंने बात बताई कि यह विधि दूसरी विधि से कम खर्चीली है। हमेशा कोई भी विधि हो चाहे कार्य हो जिसमें कम खर्चा होता है उसमें व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसमें ज्यादा रुचि लेता है। तो ये वैसे भी खर्चीली काम है, तो इससे हम शिक्षण में और भी बहुत सारे कार्यों में लाभकारी है और फायदेमंद है।
जैसे मैंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नेशनल ओपन स्कूल तथा अन्य मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रणाली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रयोग की मात्रा व्यापक नहीं है। विद्यार्थी के सीखने की दृष्टि से भी ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर अभी कमी अध्ययन हुए इन अध्ययनों से ही पता चलता है कि टेलीफोन भी आमने सामने के शिक्षण की तरह से प्रभावशाली माध्यम है। यानी एक मोबाइल एक कंप्यूटर भी शिक्षण में हम उपयोग ले सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और किसी विषय पर गहन चर्चा कर सकते हैं। अभी जो भी वेबिनार हो रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, वो सभी आज मुख्य विषय पर जो एक वक्ताओं के द्वारा जो टिप्पणी दी जाती है, वक्ताओं के द्वारा जो परिचर्चा दी जाती है, आज सबसे बड़ा अगर कोई उपकरण अगर काम में आ रहा है वो कंप्यूटर और एक मोबाइल ही है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे वेबिनार में शामिल हो सकते हैं। वेबिनार में अपना जो भी विषय होता है उस विषय पर हम अपने टिप्पणी दे सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज के मतलब कि वैज्ञानिक युग में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के कई लाभ हैं। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।